91.9 फ्रेंड्स एफएम, मेरा नाम अनिमेश और अब हमारी बातें होने वाली है बहुत ही क्यूट सी, बहुत ही प्यारी सी, हमारी अपने लोकेश कुमारी शर्मा की। जी हाँ, बिग बॉस 10 के घर से एलिमिनेट होने के बाद अब उनका क्या कहना है, चलिए जान लेते हैं। सीधा कॉल लगाते हैं लोकेश कुमारी शर्मा को। हेलो, हाय लोकेश, आरजे अनिमेश बोल रहा हूँ फ्रेंड्स एफएम कोलकाता से। हाँ जी बोलिए। हाय लोकेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है 91.9 फ्रेंड्स एफएम कोलकाता में। थैंक यू। सबसे पहले आपको बता दूं कि कोलकाता के लोग आपको बहुत ज्यादा मिस करने वाले हैं। सबसे क्यूटेस्ट, सबसे अच्छी और हमारी सबसे प्यारी एक कंटेस्टेंट एलिमिनेट हो चुकी है। क्या कहना चाहेंगी ओवरऑल एक्सपीरियंस और कहाँ पे चूक रह गई लोकेश, आपको क्या लगता है? जी, चूक तो मेरी वहाँ पर हो गई थी जब मतलब कि मैं, लोग मुझे दबा रहे थे, मैं बोलना चाह रही थी, मनु और मनवीर भाई थे, मानते भी थे वो मुझे बैन, बट जब वो कुछ बोलते थे तो उस टाइम पर मैं चुप रह गई, तो वो कहीं ना कहीं मेरी थोड़ी सी कमी थी जिसकी वजह से मैं घर से बेघर हो गई। बिल्कुल, वैसे ये एक्सपीरियंस कैसा रहा, ओवरऑल एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे? जी जरूर, एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था उधर, मुझे मतलब लाइफ के अलग ही एक्सपीरियंस देखने को मिला। सेलिब्रिटी के साथ में रही, कॉमन पीपल बन के गई थी और उनको सेवक के रूप में काम कराया, टास्क में लड़ी, हर चीज करा, तो जर्नी मेरी ऑलमोस्ट बहुत अच्छी रही है। बिल्कुल, वैसे हम आपको बहुत ज्यादा मिस करने वाले हैं, लेकिन अगर घर की हम बातें करें, क्योंकि पूरे 24 घंटे के एक 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 दिन में जो होता था उसे हम सिर्फ 40 मिनटों में देखा करते थे, क्या क्या चीजें हैं जो आपको बहुत मिस करेंगी आप उस घर की? मैं तो बिग बॉस का पूरा हाउस मिस कर रही हूँ, मतलब कि अपने अपने घर पर देखा तो भी मुझे बिग बॉस की ही याद आ रही है कि मतलब वहाँ पे सुबह मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट बनाना, फिर वो टास्क, फिर आर्गुमेंट हो जाती थी बानी के साथ, मेरी बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी थी, तो सब कुछ मैं बहुत मिस करने वाली हूँ। बिल्कुल, घर से निकलने के बाद अब घर वाले आपको क्या बोल रहे हैं, क्योंकि इतने दिन के बाद आप घर पहुंची, घर वालों ने आपका स्वागत कैसे किया? जी, घर वाले बहुत ज्यादा खुश थे और प्राउड फील कर रहे थे कि काफी आगे तक मैं चली, और थोड़ा सैड भी थे कि क्योंकि वो मुझे जानते हैं कि जो लोकेश घर में चुप नहीं हो, गलत को गलत और सही को सही बोलती है, वो यहाँ पे क्यों बात की दो हफ्तों में चुप हो गई, तो उससे उस चीज से थोड़ा सा वो अपसेट थे। बिल्कुल लोकेश, वैसे आपकी से अगर मैं पूछूं कि टॉप 3 में आप किसको देखना चाहेंगी, आप क्या कहेंगी? तो फर्स्ट तो मैं मनवीर को ही चाहती हूँ कि वो आगे तक जाए, सेकंड मेरा मनु हो सकते हैं, और थर्ड कोई भी सेलिब्रिटी होगा मुझे तभी अच्छे लगते थे, कोई भी लाइक बानी और मनवीर, रोहन, बानी, इस तरह के मतलब मुझे दिखते हैं आगे में। बिल्कुल लोकेश, मुझे ये बताइए कि इस बार जो इंडिया वाले जो इंट्रोड्यूस किया गया था, इंडिया वालों ने काफी दबा के रखा इन सेलिब्रिटी वालों को, कुछ कहना चाहेंगी? सेलिब्रिटी वाले खुल कर नजर नहीं आ रहे अभी भी? जी हाँ, शो जैसे कि मैं हाउस में रही तो मुझे पता है कि हम मतलब कि सब कुछ करते थे, टास्क में, काम में, 100% हर चीज में, लेकिन सेलिब्रिटी अपने सेफ जोन से ही नहीं निकल रहे थे। मैं उनको एक इमेज की ज्यादा रहती थी कि यार मतलब मुझे ऐसे नहीं सीखना, ऐसे कर दूंगा तो मेरी क्या इमेज होगी, ये उनके माइंड में ज्यादा रहता था। बिल्कुल लोकेश, अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर एक बार फिर से वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है आपकी, तो क्या आप जाना चाहोगे बिग बॉस के घर में? जी जरूर, मतलब कि मैं जो चीज मेरी रह गई थी, जो मैं दो हफ्तों में एकदम मतलब खो गई थी, मैं तो बिल्कुल चाह रही हूँ कि अगर मुझे मौका मिलता है फिर से वाइल्ड कार्ड एंट्री का, तो मैं जाना चाहूंगी, और जिन लोगों ने मुझे बच्चा कहकर और मुझे चुप कराया था और मेरी आवाज दब गई थी, मैं चाहती थी बस फिर से मुझे अगर मिलता है मौका, तो जो लोकेश स्टार्टिंग में बनकर आई थी, मैं फिर से उससे भी ज्यादा 100% एनर्जी के इस शो में जाना चाहती हूँ, और जनता का एंटरटेनमेंट करना चाहती हूँ, और सही गलत क्या है उसके बारे में भी बताना चाहती हूँ मैं। बिल्कुल, एंटरटेनमेंट की अगर बातें करें तो स्वामी जी भी काफी एंटरटेन कर रहे हैं हम सभी को, गुरुजी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? गुरुजी के बारे में बस यही कहूंगी कि मतलब कभी अटपटी सी लड़कियों के लिए वो बातें कर देते हैं, वो उस तरह के एनवायरमेंट में रहे हैं जो कि बोलना नहीं चाहिए, लड़कियों के कपड़े पे या उनकी जो भी लाइफ होती है, रिलेशनशिप जो भी होता है, वो उन्हें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन शो में, लेकिन मैं हाउस में रही तो मैंने ये भी देखा कि जो कोई भी था, सेलिब्रिटी हो या कॉमन, वो सबके सब दिन बाबा पे ही फाड़ते थे, सबको नॉमिनेशन से डर लगता था,
तो वो जितना भी बिल पड़ता था वो बाबा पे फाड़ देते थे और वो उसका असर वो दिखाते भी थे, वो सबसे ऊपर चढ़ जाते थे, तो ये भी अंदर हाउस में होता था ऐसा। देखो लोकेश, अब आप घर से एलिमिनेट हो चुकी है, अब आपने क्या सोचा है फ्यूचर में, आप क्या क्या करने वाली, भविष्य में क्या क्या करेंगी? जी मैं तो बस ये चाहती थी, मुझे एक्टिंग लाइन में काफी शौक है और मैंने मंडी हाउस पे श्रीराम सेंटर से मैंने अपना ये एक्टिंग क्लास करा है, तो इसी लाइन में मैं आगे जाना चाहती हूँ, अब इसी में अपना फ्यूचर बनाना चाहती हूँ। बिल्कुल लोकेश, 40 लाख लोग आपकी आवाज इस वक्त कोलकाता में सुन रहे हैं, सभी आपको बहुत पसंद किया है, आपको सभी ने आपको बहुत पसंद किया बिग बॉस के घर में, उन सभी से कुछ कहते जाइए, अपने फैंस से कुछ कहते जाइए। मैं अपने सभी फैंस को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, मुझे इतना सपोर्ट करा और मुझे घर के अंदर में पसंद करा, एक कॉमन लड़की को पसंद करा, तो मैं सभी को थैंक यू कहना चाहती हूँ दिल से। शुक्रिया लोकेश फ्रेंड्स एफएम को समय देने के लिए, काफी अच्छा लगा आपके साथ बातें करके, थैंक यू सो मच। थैंक यू, आई लव यू बिग बॉस एंड आई लव यू सलमान सर। मिलिए थी हमारे साथ नन अदर देन लोकेश कुमारी शर्मा, जिनके साथ हमारी बातें हो रही थी 91.9 फ्रेंड्स एफएम पे, सुनते रहो साथ रहो। फ्रेंड्स एफएम 91.9।